हमारे देश में वेरियस यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में उनका स्कूल एजुकेशनल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस एनालिसिस को हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कहते हैं। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। इससे पहले 2017-18 में रिलीज किया गया था फर्स्ट इंडेक्स। PGI 2.0 में एजुकेशनल असेसमेंट के लिए 73 इंडिकेटर्स को कवर किया जाता है। अब देखिए, इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को ना 10 ग्रेड्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक तरह से स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं। पहला है दक्ष, दूसरा उत्कर्ष, तीसरा अति उत्तम, फिर उत्तम, प्रचेष्टा 1, 2, 3 तथा आकांक्षी 1, 2 और 3। इन 10 में से कौन सा स्टैंडर्ड मैनेज कर पाते हैं ये यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स, इसे बताया जाता है इंडेक्स में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम तथा प्रचेष्टा 1 इन टॉप के 5 स्टैंडर्ड्स को तो मैच कर ही नहीं पाए हैं। सीधे 6वें लेवल पर टॉप किया है पंजाब और चंडीगढ़ ने, जिनका स्कोर 641 से 700 है। फिर प्रचेष्टा 3 में 6 स्टेट हैं, फिर 12 स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं आकांक्षी 2 में और 3 स्टेट्स हैं आकांक्षी 3 में। अब इस रैंकिंग या इंडेक्स में देखा जाता है कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के स्कूल एजुकेशन सिस्टम का लर्निंग आउटकम कितना है, लोगों को एजुकेशन का एक्सेस कितना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी है, समानता से कितना एजुकेशन दिया जाता है, गवर्नेंस प्रोसेस कैसी है, टीचिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग कितनी अच्छी तरीके से दी जाती है, इन सभी के असेसमेंट के आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो बस यही था PGI 2.0। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।